नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अब रद्द नहीं होगी भारत और न्यूजीलैंड सीरीज। लोढ़ा कमेटी द्वारा बीसीसीआई के बैंक खाते सील कर दिए जाने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी सीरीज पर रद्द होने का जो खतरा मंडरा रहा था वह अब टल गया है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का फैसला किया है। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि क्रिकेट जारी रहना चाहिए। कश्मीर में 88वें दिन भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा। कश्मीर के कई हिस्सों में अभी भी सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। अलगाववादी प्रायोजित हड़ताल के कारण लगातार 88वें दिन भी सामान्य जीवन बाधित रहा, लेकिन लगभग 3 महीने की अशांति के बाद लोग अपने रोजमर्रा की गतिविधियों को वापस रास्ते पर लाने की कोशिश में हैं। अधिकारी ने बताया कि कई सड़क विक्रेताओं ने फल, सब्जी, ताजा जूस, चाय और स्नैक्स बेचने के लिए अपने स्टॉल टीआरसी चौक के आसपास लगाए और दिन भर अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी। बीएसएफ ने पंजाब में पकड़ी पाकिस्तानी नाव। निगरानी बढ़ाए जाने के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के पठानकोट सेक्टर में रावी नदी से मंगलवार को पाकिस्तान की खाली नाव पकड़ी। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है जो पठानकोट सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रावी नदी में बहकर इस ओर आ गई थी। हालांकि यह नाव खाली है। उल्लेखनीय है कि रविवार को गुजरात के पोरबंदर में भी सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध नाव बरामद की और इसमें सवार 9 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका ने कहा तनाव कम करने के लिए भारत पाक सेनाओं के बीच संवाद जरूरी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तेजी से बढ़ते तनाव के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने दोनों देशों की सेनाओं से क्षेत्र में तनाव खत्म करने में मदद के लिए संवाद बनाए रखने का अनुरोध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रूडो ने कहा कि हम दोनों देशों से शांति और संयम बनाए रखने का आग्रह करते हैं। अलकायदा सरगना सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया। अलकायदा का एक प्रमुख सरगना शेख अल फराज अल मसारी, जो अल नुसरा फ्रंट का सदस्य बन गया था, सोमवार को सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। मसारी ड्रोन हमले में सीरिया के इदलिब में उस समय मारा गया जब वह कार से शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में जा रहा था। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।